लखनऊते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरासरि चोख राखबो सेदिके। दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। साथियों, आज लखनऊ के लिए एक और बधाई का अवसर है। लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनरी मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को दिया है। आज उनकी स्मृति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही है। मुझे विश्वास है ये चेयर अटल जी के विजन, उनके एक्शन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी। जैसे भारत की 75 साल की विदेश नीति में अनेक मोड़ आए, लेकिन अटल जी ने उसे नई दिशा दी। देश की कनेक्टिविटी, लोगों की कनेक्टिविटी के लिए उनके प्रयास आज के भारत की मजबूत नींव है। अब सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरी तरफ स्वर्णिम चतुष्क, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी दोनों तरफ एक साथ दृष्टि और दोनों तरफ विकास का प्रयास। साथियों, वर्षों पहले जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था, तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभव है। 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है। भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहा है, वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। एक समय था जब घर की स्वीकृति से लेकर उसको जमीन पर उतरने में ही बरसों लग जाते थे। जो घर बनते थे भी वो शायद रहने लायक थे कि नहीं, ये सवालिया निशान जरूर पूछे जाते थे। घरों की साइज छोटी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब, एलोटमेंट में हेरा फेरी, ये सब मेरे गरीब भाइयों बहनों को भाग्य बना दिया गया। 2014 में देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, और मैं उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे देश की संसद में पहुंचाया। और जब हमने आपने हमें दायित्व दिया तो हमने अपना दायित्व निभाने की ईमानदार कोशिश की। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा, पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी
सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1 करोड़ 13 लाख। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है लेकिन उससे घर नहीं कह सकते। लेकिन वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती है। साथियों, हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी है। उनको मर्जी पड़े वैसा मकान बनाए। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके कोई ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे इसकी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं थी। कहीं 15 स्क्वायर मीटर के मकान बनते थे तो कहीं 17 स्क्वायर मीटर के। इतनी छोटी जमीन पर जो निर्माण होता था उसमें रहना भी मुश्किल था। 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों की साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। गरीबों के बैंक खातों में घर बनाने के लिए भेजी राशि कितनी है इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपये गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात।
वह आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर ऐसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए, ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। साथियों, मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के निर्माण में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही, और जब मैं आज लखनऊ में हूं तो मुझे